ओम शांति। जीवन को प्रेरणा देने वाली एक कहानियों का संग्रह हम आपके सामने लाए हैं। इसमें पहली कहानी है, अज्ञानता से क्रोध होता है। एक बार समुद्र में एक भयानक तूफान आया जिसमें अनेक जहाज अपना रास्ता भूल गए, इधर उधर भटकने लगे। इनमें एक युद्धपोत भी था जो तूफान के कारण रास्ता भटक गया था। आधी रात के बाद जब तूफान शांत हुआ तो युद्धपोत के कैप्टन ने अपने अधीनस्थ एक अधिकारी को आदेश दिया कि क्या जहाज के ऊपर जाए तथा ये पता लगाए कि उनका जहाज इस समय कहां है और उसकी सही दिशा भी निर्धारित करे। वे अधिकारी बड़े जोश के साथ ऊपर गया। वहां उसने दिशा का अनुमान किया और उसे आधार पर अपने जहाज की दिशा को बदल दिया। फिर उसने अपने इधर उधर चारों ओर निगाह दौड़ाई। अपने जहाज के मार्ग पर दूर कहीं उसे ऐसी रोशनी दिखाई पड़ी जो स्थिर थी। ये देखकर वे नीचे उतरा और जहाज के कैप्टन को सूचित किया। जहाज के कैप्टन ने उसे कहा कि वे दूसरे जहाज को संदेश भेजकर कहे कि वे अपना मार्ग 20 डिग्री बदल ले। उस अधिकारी ने जब यह संदेश भेजा तो तुरंत ही उसे उत्तर मिला कि तुम स्वयं ही अपना जहाज 20 डिग्री मोड़ लो। उस अधिकारी ने ये संदेश अपने कैप्टन को सुनाया। कैप्टन सुनकर क्रोधित हुआ और बोला कि वे अपने आप को क्या समझता है जो हमें रास्ता बदलने के लिए कह रहा है। कैप्टन ने अपने अधिकारी को कहा कि इस बार वे कैप्टन के नाम से संदेश भेजे। अधिकारी ने कैप्टन की आज्ञा का पालन करते हुए दूसरा मैसेज भेजा कि इस युद्ध पोत का कैप्टन कह रहा है कि तुम अपने जहाज का रास्ता बदल लो। उसको भी इसका भी तुरंत उत्तर मिला जिसमें यह कहा गया, श्रीमान मैं तो चाहे सेकंड क्लास अधिकारी हूं फिर भी आपको सलाह देता हूं कि आप अपना युद्ध पोत का मार्ग 20 डिग्री बदल लें। इस उत्तर ने कैप्टन के क्रोध को और अधिक भड़काते हुए आग में घी का काम किया। उसने क्रोध में कांपते हुए अपने अधिकारी को कहा कि आप तुम ये संदेश भेजो कि ये एक युद्ध पोत है इसलिए अपना रास्ता नहीं बदलेगा। फिर तुरंत उत्तर मिला कि मैं तो लाइट हाउस हूं, मैं अपना रास्ता कैसे बदल सकता हूं। इस उत्तर ने युद्ध पोत के कैप्टन की मानसिकता को बदल दिया। इस प्रकार से ज्ञान ना होने पर क्रोध हुआ। जब ज्ञान मिल जाता है, समझ में आ जाता है तो क्रोध शांत हो जाता है। इस प्रकार से आप इन कहानियों का आनंद लेते रहें और ईश्वरीय ज्ञान लेने के लिए नीचे वाले व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। और यदि कोई प्रश्न हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें या फिर व्हाट्सएप टेलीग्राम करना है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम।